जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले जो लेटेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब की रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है वो डिटेल में देखने वाले, कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी कितने मिलने वाला है और आपका जो जॉब पोस्टिंग होगा वो कहाँ पर होगा वो डिटेल में देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितनी भी आने वाला वीडियो सभी की अपडेट आपको मिलती रही है। डेली करंट अफेयर, न्यूज़ और जनरल नॉलेज की अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में वैकेंसी निकल कर आ रही है। कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है? असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2020 के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है और बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, अच्छा पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का नेम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इनमें वैकेंसियाँ निकल कर आई है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 989 पोस्ट है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 113 पोस्ट है। अदर बैकवर्ड कास्ट 417 पोस्ट। SC शेड्यूल कास्ट 360। ST के लिए रिक्रूटमेंट है 121। तो टोटल जो रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है वो 2000 पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की। तो मेन पॉइंट है कि आपका जो पे स्केल कितना रहेगा, वो जो पगार लेवल होता है वो 7th पे आपको मिलने वाला, लेवल 7th मिलने वाला, और ये आपको मिनिमम सैलरी मिलने वाला है 44,900 रुपी से 1,42,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। और इनमें आपको स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा, जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस 20% मिलेगा और आपको लीव मिलती है गवर्नमेंट की, वो 30 दिन का सैलरी भी मिलेगा। यानी करीबन आपका 50,000 के आसपास सैलरी, 50,000 के ज़्यादा सैलरी आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो में मिलेगी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपने कोई भी फील्ड में क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, वो बी हो, बीटेक हो, एमटेक हो, बीकॉम हो, कोई भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन क्वालिफिकेशन देखते हैं। इनमें आपकी एज मिनिमम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 ईयर से हो, 27 ईयर तक इनमें आप अप्लाई कर सकोगे। इनमें जो रिजर्वेशन रहता है ST और ST को, इनको 5 साल रिजर्वेशन रहता, तो इनकी एज 32 है तो भी वो अप्लाई कर सकेंगे। तो वही है, इनमें नोट और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा है। आपने देखा ही होगा कि हर बार जितनी भी वैकेंसियाँ निकल कर आती है इनमें जो विकलांग होते हैं उनके लिए सेपरेट वैकेंसी होती है, उनके लिए अलग क्वाटा होता है, तो इनमें क्लियर मेंशन कर दिया है वो PW डिपार्टमेंट से हो, HS डिपार्टमेंट से, OH और VS से हो तो इनको अप्लाई नहीं करना। इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्रूटमेंट है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी को संभालना है तो वहाँ पर विकलांग की ज़रूरत है नहीं, तो वो अप्लाई मत करना, और अप्लाई करोगे तो भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और इनमें पूरी की पूरी प्रोसेस, आप एलिजिबल हो तो ये अप्लाई करना है। नोट में पूरा क्या लिखा, ई नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे के पूरे क्वालिफिकेशन में आप सेटिस्फेक्शन हो, एलिजिबल हो तो ही अप्लाई करना है। और पूरी की पूरी प्रोसेस है वो 9 जनवरी 2021 में पूरी की पूरी प्रोसेस ख़त्म होने वाली है, तभी तक आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ओवर हो जाएगा। इनमें क्लियर मेंशन किया है आपको इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब मिल सकता है, आप इनके लिए खुद की साइड से आप तैयार हो तो ही इनमें अप्लाई करना। एनीवेयर इंडिया आपको प्लेस मिल सकता है, कोई भी जगह पर आपको मिल सकता है। और आपकी जो एग्जामिनेशन रहने वाली है, इनमें एग्ज़ाम आपको गुजरात की हो, कोई भी आंध्र प्रदेश की हो, तमिलनाडु से हो, आप
कहीं पर कोई भी सिटी से हो आपको 3 सेंटर मिलेगा। तो सेंटर का लिस्ट यहाँ पर है, सेंटर का लिस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक राज्य का दिखा देता हूँ। आंध्र प्रदेश के हो आप तो गुंतूर, काकीनाडा, कुरनूल, वहाँ पर यहाँ एग्जाम सेंटर दिया है। इस पूरी की पूरी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप देखना, आप स्टेट वाइज देख लेना कि कौन से सेंटर है और कौन से सेंटर आपको नज़दीक है, और अप्लाई करते वक्त आपको 3 सेंटर को सिलेक्ट करना है। इनमें से आपको एक में आपका एग्ज़ाम आपको देने के लिए जाना है, और हम एग्ज़ाम में आपका सिलेबस क्या रहेगा वो डिटेल में देख लेते। तो एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, इनमें कोई भी एक सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना, और इनमें सिलेबस से पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1-4, यानी एक मार्क्स का क्वेश्चन है। आप नेगेटिव मार्क्स करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आप ध्यान रखना, गलत टिक करके नहीं आना, जो आपको आता है वो क्लिक करके आना, तो आपका चांस है कि टीयर 1 एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो टीयर 1 एग्जाम रहने वाली है वो 100 मार्क्स की रहने वाली है, MCQ क्वेश्चन रहने वाले डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, हर पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, तो डेली में अपडेट आपको देता रहता हूँ जनरल अवेयरनेस के वीडियो, तो वीडियो देखना मत भूलना, जनरल नॉलेज के वीडियो देखना मत भूलना। आपकी जो आने वाली एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो गए। इंग्लिश लैंग्वेज इनके वीडियो में अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी सेंट्रल लेवल की जॉब हो, स्टेट लेवल की जॉब हो, इनमें इंग्लिश आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है, तो वो मैं डेली अपडेट करने वाला हूँ, तो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। जनरल स्टडी इनके 20 क्वेश्चन आएंगे, टोटल टीयर 1 का पेपर रहने वाला वो 100 मार्क्स का रहने वाला। इनमें टीयर 1 के एग्जाम में आपको कितना कट ऑफ है टीयर 2 के एग्जाम में जाने के लिए, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो 35 मार्क्स, OBC और AW कैटेगरी से हो तो 34 मार्क्स, आप SC ST कैटेगरी से हो तो 33 मार्क्स, और जो एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रेड इन देयर ऑन कैटेगरी UR, EW, OBS, ST और ST, उनका कट ऑफ अलग रहने वाला। तो आपको मिनिमम 100 मार्क्स के पेपर में से ओनली 35 मार्क्स आपको लाने हैं, और टीयर 2 के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर हो जाना है। तो टीयर 2 एग्जाम में क्या आएगा वो देखते हैं। टीयर 2 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स का, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर 50 मार्क्स का, इनमें ऐसे 30 मार्क्स का आएगा। कोई भी टॉपिक पर आपको एक निबंध लिखने का बोल देंगे, ऐसे लिखने को बोल देंगे, वो कोई भी टॉपिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको बोल सकते हैं कि फार्मर का प्रोटेस्ट का अब वीडियो बनाओ, आप ऐसे लिखो, और आने वाली जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है इसका प्लानिंग है 2-child पॉलिसी, उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। 1 Nation 1 Market के बारे में भी आपको ऐसे लिखने को बोल सकते हैं। तो फार्मर के लिए आएगा, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपडेट करके रख दिया है, 1 Nation 1 Market के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जितनी भी स्टडी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, मैं सभी अपडेट देने वाला हूँ, इसके लिए स्टडी के माध्यम से आपको सभी अपडेट मिल जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो 30 मार्क्स का आपका ऐसे रहने वाला, और इनमें 20 मार्क्स का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चीज एंड प्रेसिस राइटिंग, यानी आपको 20 मार्क्स का वो लिखित एग्जाम लेने वाला है। यानी शॉर्ट में टीयर 1 एग्जाम आपके लिए इजी है, और टीयर 2 में आपको स्टडी करके जाना है, रिसर्च करके जाना है कि ट्रेंडिंग में टॉपिक क्या चल रहा है, और गवर्नमेंट का प्लानिंग क्या है, आगे का फ्यूचर क्या होगा, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, मशीन लर्निंग भी हो सकता है, इंटेलिजेंस भी हो सकता है, हाउ टू सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव करना है, डिफेंस को कैसे इम्प्रूव करना है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप की एग्ज़ाम के लिए, टीयर 2 की एग्ज़ाम के लिए, तो सभी मैं ऐसा कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट टीयर 2 एग्ज़ाम का मैं आपको दे पाऊँ, वीडियो में अपडेट करते रहता हूँ। तो सभी वीडियो देखना, और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से आप कर सकते हो। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज,
अपकमिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब पे वैकेंसी के वीडियो की अपडेट देता हूँ। इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर हो, आप इम्पोर्टेंट डे हो, सभी की अपडेट और डेली न्यूज आते हैं जो ट्रेंडिंग न्यूज के टॉपिक होते हैं, टेक्नोलॉजी के टॉपिक होते हैं, वो सभी मैं कवर करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ऑल का बेल आइकन को, ऑल का बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और सबको बताइए 2020 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2000 पोस्ट आई है, तो अप्लाई कर